हमारे देश में इस समय एक बड़ा संघर्ष और एक बड़ी लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई है वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां जिस वायरस के आगे त्राहिमाम की स्थिति में है, हमारा देश उससे संघर्ष में काफ़ी बेहतर स्थिति में है। हमारे यहाँ तमाम दिक्कतों के बाद, तमाम संसाधनों की कमी के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने समय रहते संपूर्ण लॉकडाउन का जो फैसला किया था और बाकी सारी व्यवस्थाएं की थी, और देश की लगभग 90% आबादी ने इसका समर्थन किया। इसी की वजह से हम आज एक बेहतर स्थिति में हैं। हम न केवल कोरोना पॉजिटिव जो केसेस आ रहे हैं हमारे देश में अभी तक आए हैं उसके मामले में, बल्कि उसको लेके जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो मृत्यु हुई है, वो भी काफ़ी बेहतर स्थिति हम कह सकते हैं कि हम लोगों को ठीक बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं, और वो अभी तक पैंडेमिक स्थिति नहीं बनी है। मध्य प्रदेश में भी भोपाल और इंदौर शहर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों में बाकी क्षेत्रों में स्थिति बहुत चिंताजनक नहीं है, क्योंकि हम सारे लोग मिलकर उसका पालन कर रहे हैं। जो फिजिकल डिस्टेंस रखना है, मैं सोशल डिस्टेंस उसको नहीं कहता, सोशल डिस्टेंसिंग जैसा शब्द नहीं कहता, एक फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, तो हम लोग उसका भी पालन कर रहे हैं और सरकार के जो नियम है बाकी उनका भी ज़्यादातर लोग पालन कर रहे हैं। उसी की वजह से हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। हमारे विदिशा जिले में जो अभी पिछले 3-4-5 दिनों के अंदर जो बातें सामने आई हैं, एक बच्ची को पॉजिटिव आया दुर्भाग्य से, लेकिन बाकी जो टेस्ट हुए हैं वो अभी नेगेटिव आ रहा है, ये बहुत संतोष की बात है। लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, घर से बाहर न निकले बेवजह, कानून का पालन करें, और जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत तारीफ की बात है कि लोगों को खाना उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बाकी चीज़ों की दिक्कत ना हो उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा आग्रह है अपने भाइयों से कि समाज सेवा में भी भीड़ न जुटाएं, बहुत व्यवस्थित तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी समाज सेवा करें, और लोगों को जागरूक करने का जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे गंजवासोदा शहर में जो राम श्याम स्टूडियो वाले कर रहे हैं, या रविंद्र उसमें सहयोग कर रहा है, और बाकी शहर के लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और ये विपरीत समय भी निश्चित रूप से बीत जाएगा, निकल जाएगा। जहाँ तक मेरे काम करने का प्रश्न है, रविंद्र ने मुझसे ये पूछा है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं भोपाल शहर के जिस इलाके में, चार इमली में रहता हूँ, ये एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट मतलब यहाँ कई सारी संख्या में लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसमें कई स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव हैं और भी अधिकारी हैं बड़े, कुछ छोटे कर्मचारी भी हैं, तो एक चारों तरफ से सील इलाका है। लेकिन मैंने बहुत पहले ही घर से काम शुरू कर दिया था। जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, उस दिन से मैं घर से बाहर नहीं गया हूँ। इसके पहले मैं लगातार, आप देखते होंगे, मैं टेलीविजन चैनल्स में भी जाता था, अपने अखबार के लिए भी काम करता था, और बाकी जगह देश भर में लिखने पढ़ने का मेरा काम जो है वो मैं करता था। लेकिन वो मैं लगातार उस 24 तारीख से लगातार मैं घर से ही वो काम कर रहा हूँ। अलबत्ता